नमस्कार दर्शकों, मंगल राहु के साथ आ रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये मंगल मीन राशि में जा रहे हैं और ये 23 अप्रैल को लेके 1 जून तक ये मीन राशि में रहेंगे। मतलब मंगल यहाँ से उठ के मंगल यहाँ पे जा रहे हैं और यहाँ पर पहले मंगल थे लेकिन यहाँ पर शनि के साथ थे, अब मंगल यहाँ पर है और ये राहु के साथ है। तो देखेंगे समझेंगे क्या चीजें हैं क्या नहीं। तो 23 अप्रैल के पहले देखा जाए वृषभ राशि वाले जो बता रहा वो होकर रहेगा, पूरा देखिएगा समझिएगा। 23 अप्रैल से लेके 1 जून तक, मतलब 23 अप्रैल से एक महीना पीछे की बात करें, पास्ट की बात करें, तो आपका मंगल की वजह से सप्तम घर, छठा घर और सप्तम घर डिस्टर्ब रहा। तो शनि के कारण से मंगल का ये सप्तम घर और बारहवां घर डिस्टर्ब रहा। तो आपने देखा होगा कि आपका खर्चा बहुत ज्यादा हुआ होगा 23 अप्रैल से पहले, खर्चे बहुत ज्यादा हुए, पैसा बच नहीं पाया, लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी या किसी से बहुत परेशान, किसी के कारण से आप बहुत परेशान, सीनियर से आपका बात ना बनना, मतलब यही सब चीजें, लड़ाई झगड़े से हिस्सा, यही सब चीजें काफी आपको डिस्टर्ब किया था। और सप्तम घर है तो पर्सनल लाइफ, मैरिज लाइफ, लव रिलेशनशिप, ये सब भी चीजें आपकी बहुत अच्छी नहीं रही, इससे बहुत सारे दिक्कतें आपको देखने को मिला होगा, ये 23 अप्रैल से पहले की बात। और अब चूंकि राहु के साथ जा रहे हैं, राहु के साथ जाने में ये आय के घर में ही, राहु मंगल का ना योग आय के घर में हो रहा है। अब देखिएगा 23 अप्रैल के बाद से नौकरी में जॉब जाएगी, पैसे के लिए बहुत दिक्कतें आएंगी, अच्छी नौकरी मिलेगी नहीं, प्रमोशन, मतलब पैसा से संबंधित अभी कुछ भी आपके साथ अच्छा नहीं होगा। और वो खर्चा वाला सिस्टम अभी चलता ही रहेगा, लड़ाई झगड़ा वाला सिस्टम चलता रहेगा, कोर्ट कचहरी चलता, हो सकता है सीनियर की वजह से आपका जॉब जाए, सीनियर के लड़ाई झगड़े के होने की वजह से आपका जॉब जाए, इसके भी योग बन रहा है। और ये पर्सनल लाइफ, मैरिज लाइफ, ये सब दिक्कतें अभी भी है, जो दिक्कत अभी आपका चल रहा था ना वो दिक्कतें अभी भी आपके साथ चलेगी क्योंकि यहाँ पे मंगल है। अगर आपके कुंडली मंगल जो है 2 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर में अगर आपके मंगल हैं तो चीजें आपको दिक्कत ज्यादा नहीं हुआ होगा ना, आगे कुछ ज्यादा दिक्कत होने की योग है। बाकी कुंडली में क्या है तो कुंडली देखने के बाद मंगल चलेगा, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुंडली दिखवाना है तो चार्जर दिखा देकर क्या कुंडली दिखवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लाइक कर, सब्सक्राइब कर, शेयर जरूर करेगा। जय हिंद, जय भारत।